साईनाथ में वेलकम। कौन गाएगा फिल्म में गाना? किसकी तारीफ की ऋतिक रोशन ने? बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके फैंस भी अब उनकी इस लव लाइफ में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या ऋतिक जल्द ही शादी करने वाले हैं? क्या उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी रूमर्स हैं, क्या वो सब सच है? क्या वाकई ऋतिक रोशन की जिंदगी में आ चुकी है एक हसीना? ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ आए दिन कहीं ना कहीं नजर आते हैं। वो कभी डिनर डेट पर तो कभी एक दूसरे के घर पर नजर आते हैं। बॉलीवुड में फिल्म क्रिश से अपनी सुपर हीरो की पहचान बना चुके ऋतिक रोशन इन दिनों सुपर हीरो से मजनू बनते जा रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के हर पोस्ट पर कॉमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें ऋतिक रोशन ने लिखा शानदार, जिसे देखने के बाद उनके फैंस भी उस पोस्ट पर कमेंट्स करने लगे। और इतना ही नहीं, ऋतिक रोशन सबा आजाद की लगभग हर पोस्ट पर कमेंट्स करते हैं और उनकी ढेर सारी तारीफें भी करते हैं। ऋतिक के इस रवैये को देखकर तो यही लगता है कि सबा आजाद और ऋतिक रोशन वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं। ऋतिक रोशन इन दिनों सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर के शूट में बिजी हैं। लेकिन जैसे ही इस फिल्म की शूट का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो अपनी सबसे सुपरहिट फिल्म सीरीज क्रिश 4 को लेकर बिजी हो जाएंगे और उसका शूट जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस फिल्म में भी सीरीज की बाकी फिल्म्स की तरह हमें बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे, जिसके लिए मेकर्स ने बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल जोड़ी सचेत परंपरा को अप्रोच किया है। इतना ही नहीं, सचेत और परंपरा के साथ साथ इस फिल्म में हमें नेहा कक्कड़, विशाल मिश्रा और जुबिन नौटियाल भी गाने गाते हुए नजर आ सकते हैं। राकेश रोशन के निर्देशन में बन रही ये फिल्म अगले साल के अंत तक सिनेमाघरों में हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ इसी चैनल पर। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।